दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं जॉनी हॉट डॉग और यहाँ पे हम लोगों को तीन टाइप्स के हॉट डॉग देखने मिलने वाले हैं। तो वो हम अंकल से बात करके बताएंगे आप लोगों को कि कौन कौन से हॉट डॉग हैं इनके पास, और इनका जो लोकेशन है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी ये जो प्लेस है वो 56 है, आप लोग अगर 56 में आओगे तो लास्ट साइड में आप लोग को इनकी ये शॉप दिखेगी। तो चलिए हम लोग अंकल जी से बात करते हैं, और अगर आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर दो फटाफट से। ये लोग आप लोग देख सकते हो, ये जो बेंजो है इनके, ये वेज बेंजो है। वेज बेंजो में आप लोगों को ब्रेड देखने को मिलेगा, और इनके पास जो वो ब्रेड में ये लोग आलू के जो पेटीज होती है वो डालते हैं, तो वो बन जाता अपना वेज बेंजो। क्या नाम हुआ अंकल आपका? मेरा नाम तो विजय सिंह है भाई। और क्या क्या रखते हो भाई आप? ये तीन चीजें भैया, आलू का है, बड़ा हॉट डॉग और मटन हॉट डॉग, अंडे वाला। कब से लगा रहे हो अंकल आप दुकान यहाँ पे? बहुत साल हो गए, 4 दशक से ज्यादा हो गया। अंकल एक आटा लाओ भैया के लिए, उसमें क्या रहने वाला अंकल? मटन होटल जैसे ये बन में जो आलू की टिक्की लगा देते तो वेज हट्टा हो गया, आमलेट लगा देते तो एक बेंजो नाम रखा, और मटन टिक्की लगा देंगे तो मटन हट्टा। मटन किस चीज़ का है ये? मटन पकड़ कर रखते हैं भैया, घी से बनाते हैं हम सब चीजें। युवाओं को डाइट मिला, अभी नया भारत है ना, तो नए भारत में नया आइडिया। बटर चिकन दोस्तों, हमारा जो एग बेंजो रेडी हो चुका, आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और आप लोग देखो भीड़, आप लोग भीड़ देख सकते हो कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। आधे आधे घंटे से लोगों का नंबर लगा रहता है, फिर उनको ये एग बेंजो और ये बेंजो मिलते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख सकते हो इनका जो बन है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और इसको पूरे प्योर घी में ये लोग सेकते हैं, और अंदर ऑमलेट है। ऑमलेट में भी ये मिर्च और प्याज वाज डाल के इनने मसाले डाल के रखे हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताता हूँ, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक करते चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इनके पास 2 चटनी है, एक टमाटर की है और एक हरी चटनी है। तो सबसे पहले टमाटर वाली चटनी लगाते हैं, और वैसे ये टमाटर वाली चटनी नहीं है, इनके सॉस है जो केचप आता अपना वो है वैसे, लेकिन यहाँ पे इनको चटनी ही बोली जाती है तो अपन भी चटनी ही बोलेंगे। तो दोस्तों इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है, बस ये थोड़े से नमक है वो मेरे को कम लग रहा है इनमें, लेकिन जो टेस्ट है वो ज़्यादा ही अच्छा है यहाँ का, और मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अगर आप लोग टेस्ट करोगे ना तो ही आप लोग समझ पाओगे कि इसका टेस्ट क्या है। ये ऑमलेट है अंदर, ठीक है, आप लोगों को 1 या 2 अंडों का ऑमलेट देखने को मिलेगा, और इसका जो प्राइस होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ 35 रुपीज़ होने वाला है। अगर इनकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर आप लोग कभी भी इंदौर आओ और 56 आओ तो एक बार ट्राई जरूर करना।